17 अगस्त साल 1949 को पुलिन बिहारी दास का निधन हुआ। वे भारत के महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिन उत्कृष्ट संगठनकर्ता थे और उनके प्रयासों ने जल्द ही प्रांत में समिति की 500 से ज्यादा शाखाएं हो गईं। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा समिति को गैर कानूनी घोषित करने के कारण उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए साल 1920 में भारत सेवक संघ की स्थापना की। कोलकाता विश्वविद्यालय उनके सम्मान में विशेष मेडल देती है जिसका नाम है पुलिन बिहारी दास स्मृति पदक। 17 अगस्त साल 1945 को इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ। 20वीं सदी के शुरुआत से ही संपूर्ण रूप से इंडोनेशिया की सीमाओं पर डच औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया। बाद में इंडोनेशिया पर जापान का भी आधिपत्य रहा। इंडोनेशिया ने जापान के आत्मसमर्पण से कुछ समय पहले ही अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी।